नमस्कार दोस्तों, लगता है मोदी मैजिक वाकई खत्म हो रहा है। तभी तो देखिए ना, मोदी जी के सबसे जिगरी दोस्त मोदी का हथकंडा ना अपनाते हुए अरविंद केजरीवाल का हथकंडा अपना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल का कौन सा हथकंडा? अमेरिका में मोदी के सबसे अच्छे दोस्त अपना रहे हैं, जिनको लेकर भारत में प्रोग्राम भी किया गया था, नमस्ते ट्रंप, कुछ याद आया दोस्तों? उसके बाद ट्रंप हार गए और अब फिर से अमेरिका चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और इस चुनाव में ट्रंप जो है अमेरिका के लोगों को क्या लोग लुभावने ऑफर दे रहे हैं, क्या स्कीम बता रहे हैं, वो सुनकर आप भी दंग हो जाएंगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल का जादू जो है वो अमेरिका में चल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका में दिल्ली वाला मॉडल लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ की जनता से ये वादा कर रहे हैं कि अगर अमेरिका में वो सत्ता में वापस आते हैं तो मुफ्त वाला बिजली जो है वो लोगों को मुहैया कराया जाएगा। सोचिए, भारत में सबसे पहले ये मुफ्त बिजली पानी की जो योजना है वो किस नेता ने लाकर दिया है? तो आप तुरंत कहिएगा कि अरविंद केजरीवाल ने, इसे पहले किसी नेता ने ऐसे स्कीम्स नहीं लाए हैं। और ये सच है, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता है और इसी बात को भारत में भी कई नेताओं ने अपनाया भी है, बार बार कोशिश भी की है, मुफ्त बिजली पानी देने की बात कही है, स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात की है। लेकिन ये नहीं पता था कि अमेरिका में भी इस बात की चर्चा होगी और ऐसी चर्चा होगी कि चुनावी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र करेंगे और कहेंगे कि वो जो है, जी हाँ, वो जो है अमेरिका में जीतते हैं तो उनको बिजली फ्री मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की खुद वीडियो शेयर की गई है दोस्तों, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो मैं आपको हिंदी में बता दूं कि उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी उनकी वीडियो पड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट करते हुए अमेरिका की जनता से क्या वादा किया है, क्या प्रॉमिस किए हैं। सोचिए, अमेरिका में भी बिजली पानी की चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि आधे महीने के भीतर ऊर्जा और बिजली की कीमत हम आधी कर देंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर कह रहे हैं कि हम गंभीरता से अपनी पर्यावरणीय संस्कृतियों में तेज़ी लाएंगे और अपनी बिजली क्षमता को तेज़ी से दोगुना करेंगे। इसमें मुद्रास्फीति कम हो जाएगी और अमेरिका और मिजगन कारखाने बनाने के लिए पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह बन जाएगी। ये डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो शेयर किया है। तो इसी वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए, देखिए क्या लिखा है उन्होंने, ये भी आप जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल क्या लिख रहे हैं और तमाम न्यूज़ चैनल पर भी इसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि ट्रंप ने घोषणा की है कि वो बिजली की दरें आधी कर देंगे, मुफ्त की रेवड़ी अमेरिका तक पहुंच गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जादू जलवा, जो भी कह सकते हैं, वो अमेरिका तक पहुँच गया है। अमेरिका भी अब इस मुफ्त वाली रेवड़ी को लेकर, फ्रीबीज जो है उसको लेकर ऐलान कर रहे हैं। कितना, मतलब एक तरीके से भारत के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, अभी फ़िलहाल तो वो मुख्यमंत्री हैं नहीं, उनकी जगह पर अतिशी हैं, लेकिन जिस तरीके का विज़न वो लेकर आए हैं, वो अमेरिका में भी उस विज़न को चर्चा करके ट्रंप जो है सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से वो वहाँ पर सत्ता में काबिज हो जाए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो बातें कही 200 यूनिट बिजली फ्री का, वो उन्होंने पूरा किया, पानी भी फ्री दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि वो फ्री वाली रेवड़ी बांटेंगी लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलते तो है बहुत सारे लेकिन बढ़ता नहीं है। हालांकि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे ये भी कहा गया था, सिलेंडर मुफ्त में भिजवाया जाएगा ये भी कहा गया था, लेकिन क्या आया? नहीं आया ना। चुनाव के दौरान बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली जाती है लेकिन उसके बाद वो भूल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जो दिल्ली के अंदर जो वादा किया वो पूरा किया, वो निभाते हुए नजर आए। अब देखिए, एबीपी न्यूज़ ने इस पूरी खबर को शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिकी चुनाव में बिजली बिल के मुद्दे पर भारत में सियासत हो रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद अरविंद केजरीवाल बोले, मुफ्त की रेवड़ी भी अमेरिका पहुंच गई है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने कुछ गलत तो नहीं कहा, मुफ्त वाली रेवड़ी तो अमेरिका पहुँची ही है, जहाँ पर वो खुद इस बात
का घोषणा अमेरिका के लोगों के सामने कर रहे हैं कि मैं जीत गया तो आधी से ज़्यादा बिजली का बिल जो है वो माफ़ कर दिया जाएगा। तो चला ना अरविंद केजरीवाल का जादू। अब देखिए मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मोदी जी के बारे में आप सबको अच्छे से मालूम है कि वो जो वादा करते हैं वो कितना निभाया है और कितना नहीं निभाया है, ये देश का हर एक नागरिक जानता है। भले ही बोलने से डरता हो, गोदी चैनल्स इतनी हिम्मत नहीं रखता हो, लेकिन हकीकत झुठलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।